तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक के बारे में। बहुत से पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, हाई स्कूल के बाद ये फॉर्म भरा जाता है। देखिए, इसके जो योग्यता होती है वो हाई स्कूल ही होती है। अगर आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे दिया है या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, दोनों ही स्थितियों में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि यार सरकारी स्कूल मुझे लेना है तो कितने नंबर्स लाने होंगे, कितने क्वेश्चन करने होंगे। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी अपन ने, बस ठीक है, थोड़ा बहुत आता था, आ गया था। तो उस समय पहली बार 400 अंकों का पूर्णांक हुआ था और मुझे उस समय 231-32 ऐसे कुछ नंबर मिले थे। ठीक है, तो ये इतने में ही मेरी 2900 रैंक थी, यानी कि 2900 रैंक थी, और मुझे फैज़ाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैज़ाबाद मिल गया था। और काफ़ी मज़ा आया था उस पूरे समय में, बहुत मस्ती के साथ अपना बीता समय। खैर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा 231 नंबर लाना, 230 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, कितने क्वेश्चन करने होंगे। आप एवरेज निकाल लो मेरा 60-55 या ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आप एकदम सही कर लेते हो, ठीक है, देखो 400 नंबर का होता है तो 200 नंबर लाने के लिए 50 क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने चाहिए। 50 से अगर आप 60 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर लेते हो तो 240 के करीब पहुँच जाओगे आप। तो 240 के करीब अगर पहुँच जाते हो बिना किसी गलती के 60 क्वेश्चन सही करके, तो आप बहुत आराम से, मतलब बहुत अच्छे वाले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पहुंच जाओगे, जिसमें भी चाहोगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, तो 60 से 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन पहुंचाओ। जिन लोगों को लगता है कि उनसे ये 60 से 70 क्वेश्चन नहीं सही हो पाएंगे एकदम करेक्ट, तो उनके लिए मैं बात यही कहूँगा, यार टेंशन मत लो, अभी पढ़ाई करते रहो। और जो पेपर्स हैं, जो सॉल्व पेपर हैं, मॉडल पेपर आते हैं, उन्हें सॉल्व करो। 3 घंटे का समय लेकर विधिवत आराम से बैठो, और जो क्वेश्चन ना आए उस पर टाइम वेस्ट मत किया करो, हमेशा से कहा जाता है। शुरू में ही अगर 1 घंटे में तुम चाहोगे तो करना चाहोगे, तो आसान क्वेश्चन में केवल अगर 40 क्वेश्चन कर चुके होगे, 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बेहद ईजी आते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन निपटा चुके होगे। 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन देखना होगा उसमें। बस एग्ज़ाम देने का तरीका सीखो, 60 से 70 क्वेश्चन पहुंचाना बहुत, मतलब आसान काम हो जाता है। ठीक है, पहले आसान क्वेश्चन को निपटा लो, 40 क्वेश्चन ऐसे निपट जाएंगे, और उसके बाद फिर थोड़े से हल्के मुश्किल क्वेश्चन पे, जहाँ पे फार्मूला याद आ रहा है हल्का हल्का, उन्हें ट्राई करो, और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चनों पे ट्राई करो। ठीक है, ऐसा करोगे तो बहुत आसानी से आप 70 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुझे हर एक क्वेश्चन करना है, तो आप आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे जो पीछे दिए गए होते हैं, और आपका फिर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका समझो और अच्छे से तैयारी करो, और अभी मॉडल पेपर हल करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितना आसान होता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, और सब सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन काम करना ज़रूरी है अपने ऊपर। तो भाई अच्छे से तैयारी करो, क्या चाहते हो मुझसे थोड़ा कमेंट करके बताओ, मैं आपको सलाह देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।